हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम एक बहुत ही यूनिक रेसिपी ट्राई करेंगे। ये रेसिपी आपने पहले कभी ट्राई किया है कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज के वीडियो देखने के बाद आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना चाहेंगे। और ये जो रेसिपी है इसे हम केले से बनाएंगे। केले कहने का मतलब है आप किसी भी केले से ये रेसिपी बना सकते हैं, जैसे जहाँजी, चीनी चंपा, मालभोग आदि। ऐसे तो हम सभी कच्चे केले जो आते हैं इसके तो सब्जी हमने खाए होंगे, लेकिन ये जो केला है ये कच्चे केला सब्जी वाला केला नहीं है। और मैं इस रेसिपी को जहाँजी केले से बना रही हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे केले को धो के इसका जो छिलका है उसे भी नहीं उतारा है और इस तरह से राउंड राउंड करके काट लिया है। अभी हमें इसे चुटकी भर नमक और थोड़ी सी हल्दी के साथ इसे अच्छी तरह से कोट करके कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह रख देना है। वैसे तो बाज़ार में पाए जाने वाले जो कच्चे केले हैं उसके सब्जी तो हम सब ने खाए हैं, लेकिन ये जो केला है ना ये काफ़ी अलग है। जैसे जहाँजी, चीनी चंपा, मालभोग और भी कई सारे केले हैं जिसका सब्जी हम सब ने नहीं खाए हैं। कभी क्या होता है ना, बहुत तेज़ बारिश या हवा तूफान आने से इस तरह के केले के पेड़ जो है ये टूट के गिर जाते हैं, साथ में इसके जो फल है वो भी गिर जाते हैं और ये नष्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। तब इस तरह के केले को भी आप बहुत ही टेस्टी रेसिपी बना के खा सकते हैं। और जो मार्केट में जो केले मिलते हैं कच्चे केले, इससे भी कई ज़्यादा विटामिंस एंड मिनरल्स मिलेगी ये जो केला है सब्जी बनने वाली है। हमने इसे बनाने के लिए मसालों में हरी मिर्च, लहसुन, कुछ पीले सरसों के दाने और टमाटर ले लिए हैं। इसका एक थिक सा पेस्ट बना लेंगे। हमने यहाँ कढ़ाई को गरम करते हुए थोड़ी सी कुकिंग ऑयल ऐड करके इसमें कुछ खड़े गरम मसाले ऐड कर दिए हैं, जैसे इलायची, दालचीनी, लौंग आदि। तो जैसे कि हमने केले को 10 मिनट के लिए नमक हल्दी से मतलब मैरिनेट करके रखा हुआ था, अभी जो इसका जो पानी था वो निकल चुका था, तो इसके बाद हम इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सब्ज़ी में कुछ आलू भी कट करके दे दिए हैं। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं और अगर देंगे तो भी खाने में और ज़्यादा बेहतर लगेगी। तो अभी हमें केले और आलू को खूब अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। केले को भिगो के रखने के बाद जो पानी निकला था इसे हमें फेंक देना है, इसे हमें सब्ज़ी में ऐड नहीं करना है। हमने यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी और 1 से 1.5 चम्मच जीरे के पाउडर का ऐड किया है। तो अभी हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। थोड़ी देर इस तरह से भून लेने के बाद हमने जो मसालों का पेस्ट बना के रखा था इसे हम इस तरह से ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, मसालों में यहाँ पे टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और सरसों ही ऐड किया है। आप सब्जी का कलर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लाल मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया है। अगर आप चाहे तो आप लाल मिर्च का पाउडर भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, लेकिन बिना लाल मिर्च के पाउडर से भी आप देख सकते हैं इसका जो कलर है ये काफ़ी अच्छा आया है। इसका सिर्फ लुक ही नहीं है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनता है। आप अगर इस सब्ज़ी को एक बार बना के खाओगे तो आप बाज़ार के बाकी मीट मछली को भी भूल जाओगे। हमने यहाँ पे मसालों को अच्छी तरह से भून लिया। अभी मैंने यहाँ पे करीब 2 से 3 चम्मच दही का ऐड किया है। ये जो दही है ये इस रेसिपी का सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है। दही को ऐड करते समय आप गैस को धीमा कर ले। तो चलिए अभी हम इसमें नमक का ऐड कर लेते हैं। ये जो केले की सब्ज़ी है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है और इसमें कई सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। आपको तो पता ही होगा कि केला हमारे हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, वो भी रो। तो अभी हम इसमें करीब 1/2 चम्मच चीनी का ऐड करेंगे। चीनी के ऐड से इसका जो टेस्ट है ये काफ़ी इन्हेंस हो जाएगा। चीनी को ऐड करने के बाद हम इसे हल्के आंच में भूनते रहेंगे। टेस्टी सब्जी का यही सीक्रेट है, आप मसालों को जितनी अच्छी तरह से भूनोगे आपका जो सब्जी है वो भी उतनी अच्छी बनेगी।
तो हमारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से भून चुके हैं और आप देख ही सकते हैं इसमें से तेल भी छोड़ने लगी है। तो अभी हम इसमें पानी का ऐड कर देंगे। पानी का ऐड आप अपने हिसाब से करें, जितना थिक ग्रेवी आपको पसंद है उतना ही पानी का ऐड करें। तो अभी हम इसमें थोड़ी सी मीट मसाला छिड़क के इसे एक ढक्कन से ढक के पकने देते हैं। साथ ही मेरा आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम अपने चैनल में इसी तरह के यूनिक और अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे जो ग्रेवी है ये लगभग लगभग रेडी हो चुका है। आप इस रेसिपी को घर में ज़रूर एक बार ट्राई करें। आप इसे बनाने के बाद आप खुद आके कमेंट सेक्शन में मुझे थैंक्स कहेंगे इतनी बढ़िया रेसिपी के लिए। तो चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और रेसिपी को कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइएगा। विवाह